हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, हम लास्ट यूनिट में क्या पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर थर्ड, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन एंड एंजाइम। ठीक है, क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन एंड एंजाइम पढ़ा था। आज हम यूनिट नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो की है इस पर लिपिड। ठीक है, क्या है लिपिड, लिपिड के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है कि लिपिड क्या होते हैं, इनके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, तथा फैट या लिपिड से क्या पढ़ना है हमको, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर फोर्थ, और जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम लिपिड का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिपिड होते क्या है। ठीक है, लिपिड के बारे में बता देना, तो लिपिड की जो शब्द की उत्पत्ति है, ठीक है, लिपिड शब्द का जो गठन है, ठीक है, वह सर्वप्रथम किसने किया था, ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने लिपिड शब्द का गठन किया था। लेकिन के अनुसार, ठीक है, ब्लूर के अनुसार लिपिड होते क्या है, ठीक है, ब्लूर के अनुसार लिपिड वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं, वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो जल में अवलेय तथा कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन आदि में विलय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी, ब्लूर ने। ठीक है, किसने दी थी, ब्लूर ने बताया कि लिपिड क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक यौगिक होते हैं तथा जल में कैसे होते हैं, अवलेय, ठीक है, जल में अवलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक प्राय होते हैं जैसे ईथर, बेंजीन, प्रोपॉन आदि में कैसे होते हैं, ये विलय होते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे लिपिड कहलाते हैं। अब लिपिड जो शब्द है, एक प्रकार का क्या है, लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है। लिपिड कौन से वर्ड से उत्पन्न माना जाता है, लैटिन वर्ड लाइकोस से उत्पन्न माना जाता है। कौन से वर्ड से, लाइकोस से उत्पन्न माना जाता है। लाइकोस का जो अर्थ होता है, घूम होता है, फैट। ठीक है, क्या होता है, लाइकोस का फैट होता है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, वसा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में, वसा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी परिभाषा है लिपिड की, कि लिपिड क्या है और किससे उत्पन्न होते हैं तथा कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब लिपिड देखें, अगर लिपिड वास्तव में होते क्या है। ठीक है, लिपिड जो है, लिपिड के यदि हम निर्माण देखें, कि लिपिड का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड लिपिड जो होते हैं, ठीक है, सामान्य से देखते हैं हम, लिपिड जो होते हैं प्राय क्या होते हैं, एस्टर। ठीक है, क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, तथा इनका जो निर्माण होता है एस्टरीकरण प्रोसेस के द्वारा होता है। लिपिड जो होते हैं वे किसके होते हैं, वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल, ठीक है, तथा एल्कोहल, ठीक है, वसीय अम्ल तथा एल्कोहल के क्या माने जाते हैं, एस्टर माने जाते हैं। और किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, जो कि क्या कहलाते हैं, हमारे लिपिड फॉर्म में कहलाते हैं। वसीय अम्ल भी देखते हैं, जब इसका निर्माण देखते हैं, तो वसीय अम्ल है ये हमारा CH3COOH। ठीक है, क्या है, CH3COOH, जिसको क्या कहते हैं हम, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, क्या है, एक प्रकार का वसीय अम्ल तथा एल्कोहल के रूप में हम किसका
जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिपिड जो होते हैं मुख्य रूप से वसे आपको पता है एल्कोहल होते क्या माने जाते हैं, एस्टर माने जाते हैं। इनका जो निर्माण होता है वसे आपको पता है एल्कोहल के संयोजन या संघनन के द्वारा होता है लिपिड का निर्माण। और लिपिड के निर्माण की प्रोसेस को या वसा निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, एस्टरीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है नॉर्मल बात है हमारी कि लिपिड है क्या, तो फिर इनका निर्माण किस प्रकार से होता है तथा रासायनिक रूप से क्या होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, कहते लिपिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिपिड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि लिपिड जो होते हैं, ठीक है, लिपिड जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं लिपिड के वसाएं होती हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली जो लिपिड जो होती है वह होती है, पहला जो प्रकार होता है वह होता है सैकोनी फ्लिएबल। ठीक है, क्या होता है सैकोनी फ्लिएबल तथा दूसरे प्रकार के जो लिपिड होते हैं वे क्या कहलाते हैं, नॉन सैकोनी फ्लिएबल लिपिड। ठीक है, सैकोनी फ्लिएबल लिपिड और नॉन सैकोनी फ्लिएबल लिपिड, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, साबुनीकरण लिपिड। ठीक है, साबुनीकरण वसा। ठीक है, दूसरे जो होते हैं जैसे होते हैं असाबुनीकरण वसा। ठीक है, असाबुनीकरण वसा। ठीक है, लिपिड को सामान्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सैकोनी फ्लिएबल और नॉन सैकोनी फ्लिएबल, साबुनीकरण और असाबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले परिभाषा पता होना चाहिए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। वे लिपिड जिसमें क्या उपस्थित हो, फैटी एसिड। ठीक है, क्या उपस्थित हो, फैटी एसिड क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, बसे अम्ल उपस्थित हो। ठीक है, तथा बसे अम्ल उपस्थित हो तथा यदि छालों से उपचारित करने पर, छालों से उपचारित करके जल अभिन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, बसा के बसे अम्ल या बसा के लवण प्राप्त होते हैं, उन प्रकार के लिपिडों को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण लिपिड कहते हैं। का मतलब होता है मॉम, क्योंकि ये उदासीन
और नौ जो है किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। अब न्यूट्रल लिपिड किसे कहते हैं, उदासीन लिपिड किसे कहते हैं, वे लिपिड ठीक है जिनमें किसी भी प्रकार के अम्लीय या क्षारीय मूल उपस्थित नहीं हो, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के आयन नहीं पाए जाते हो। अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलकों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, एब्सेंट होते हैं, उस प्रकार के लिपिडों को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल लिपिड या उदासीन लिपिड कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के पदार्थ आते हैं हमारे, एक जो आते हैं ऑयल तेल तथा दूसरे आते हैं फैट, ठीक है, ऑयल और फैट यानी चर्बी युक्त जो भोजन होते हैं फैट वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो आते हैं हमारे न्यूट्रल लिपिड के अंतर्गत। फैट्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, ये भी मुख्य रूप से सामान्य लिपिड के अंतर्गत आते हैं, सरल लिपिड के अंतर्गत आते हैं, इनमें भी बसी अम्ल तथा एल्कोहल जैसे कोई भी अन्य पदार्थ उपस्थित नहीं होता, लेकिन इनमें अम्लीय मूलकों की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये तो है हमारे क्या सिंपल लिपिड। दूसरे प्रकार के लिपिड जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है, क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड कहलाते हैं, जिसके अंदर इनको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी लिपिड, ठीक है, क्या कहते हैं, संयुग्मी लिपिड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं संयुग्मी लिपिड, जैसे सरल लिपिड जो है केवल और केवल किससे निर्मित होते हैं, बसियां एल्कोहलों से निर्मित होते हैं, जबकि संयुग्मी लिपिड किसे कहते हैं, केवल लिपिड जिनमें बसीय अम्ल, ठीक है, अर्थात फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के अतिरिक्त, ठीक है, बसीय अम्ल तथा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिक या समूह उपस्थित हो, ठीक है, क्या उपस्थित हो, अन्य कार्बनिक यौगिक या समूह उपस्थित हो, ठीक है, इस प्रकार के जो लिपिड कहलाते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे, कॉन्जुगेटेड लिपिड कहलाते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, वे लिपिड जिनमें बसीय अम्ल तथा एल्कोहल के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक या अन्य समूह के उपस्थित हो, उनको क्या कहते हैं हम, संयुग्मी लिपिड कहते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, कॉन्जुगेटेड लिपिड को पहले जो लिपिड होते हैं इसमें वे कहलाते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड, ठीक है, कौन से, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, दूसरे जो है वे क्या है हमारे, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोलिपिड, थर्ड जो है वह है हमारे लिपोप्रोटीन, ठीक है, क्या है, लिपोप्रोटीन, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं हमारे, संयुग्मी लिपिड के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड या लाइकोप्रोटीन में क्या होता है कि इनमें, ठीक है, फैटी एसिड और बसीय अम्ल तथा एल्कोहल के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, अन्य समूह उपस्थित होता है। जैसे फॉस्फोलिपिड में देखें तो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फो एसिड एल्कोहल तथा इसके अतिरिक्त क्या उपस्थित हो, फॉस्फेट समूह उपस्थित हो, ठीक है, क्या उपस्थित हो, फॉस्फेट समूह उपस्थित हो, तो इस प्रकार के कॉन्जुगेटेड लिपिड को क्या कहते हैं हम, फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं, कि वे लिपिड संयुग्मी लिपिड जिनमें फैटी एसिड तथा एल्कोहलों के अतिरिक्त क्या उपस्थित हो, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो तो उस प्रकार के लिपिड को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तीसरे प्रकार का लिपिड है वह क्या है, लिपोप्रोटीन, ठीक है, क्या है, लिपोप्रोटीन के अंतर्गत लिपिड में फैटी एसिड प्लस एल्कोहल के अतिरिक्त क्या उपस्थित हो, कोई प्रोटीन उपस्थित हो, उपस्थित हो, कोई प्रोटीन उपस्थित हो, वसायुक्त प्रोटीन उपस्थित हो, उनको क्या कहा जाता है, लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये क्या है हमारे, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है, दोबारा से देखें, कॉन्जुगेटेड लिपिड किसे कहते हैं, वे लिपिड जिनमें बसीय अम्ल तथा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिक या कोई अन्य समूह उपस्थित हो, उनको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड कहा जाता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड तीन प्रकार के होते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सावधानीकरण
में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उनको क्या कहते हैं हम असामान्यीकरण लिपिड कहते हैं। अर्थात इनका जब छावर स्वचालन के बाद में जल अवरोधक किया जाता है तो वसीय अम्लों के लवण प्राप्त नहीं होते, अर्थात साबुन का निर्माण नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं हम असामान्यीकृत लिपिड कहते हैं। इसके अंतर्गत जो असामान्य लिपिड के अंतर्गत है कौन से लिपिड आते हैं इसके अंतर्गत, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, कौन से लिपिड आते हैं इसके अंतर्गत, डिराइव्ड लिपिड आते हैं, इनको क्या समझा जाता है व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है, क्या कहा जाता है व्युत्पन्न लिपिड कहा जाता है। अब व्युत्पन्न लिपिड किसे कहते हैं, ये लिपिड जिनका निर्माण सरल या कॉन्जुगेटेड लिपिड के द्वारा होता हो, ठीक है, वे लिपिड जिनका निर्माण सरल लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड के द्वारा होता है उनको क्या कहा जाता है डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है तो कुछ अनेक प्रकार के लिपिड्स आते हैं, जैसे आते हैं हमारे स्टीरॉइड्स, ठीक है, क्या आते हैं स्टीरॉइड्स आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं टर्पिनॉइड्स, ठीक है, क्या आते हैं टर्पिनॉइड्स, तथा इसके अंतर्गत आते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये सब, ठीक है, नेक्स्ट स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स आदि ये सब जो इस प्रकार के लिपिड होते हैं वह सब किसके अंतर्गत आते हैं व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लिपिड का वर्गीकरण। दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि लिपिड के वर्गीकरण में क्या है, लिपिड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फैटी एसिड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, जिनमें फैटी एसिड उपस्थित होता हूं मैं सैरोनिक फेवर, जिनमें फैटी एसिड अनुपस्थित होता हूं मैं नॉन सैरोनिक फेवर लिपिड कहा जाता है। सैरोनिक फेवर लिपिड होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड किसे कहते हैं, ये लिपिड जिसमें वसीयम तत्व अल्कोहल केवल अल्कोहल पाया जाता है, अन्य कोई कार्बनिक यौगिक समूह नहीं पाया जाता, तथा छावों से उपचारित करने पर या जल अवरोधक करवाने पर केवल वसीयम तत्व अल्कोहल प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है सिंपल लिपिड कहा जाता है। इसके अंतर्गत न्यूट्रल लिपिड्स और बेस को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे प्रकार के होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, संयुग्मी लिपिड, इसे कहेंगे वे लिपिड जिनमें वसीय अम्ल तथा अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य कोई कार्बनिक यौगिक या समूह उपस्थित हो, उनको क्या कहा जाता है कॉन्जुगेटेड लिपिड कहा जाता है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड किसे कहेंगे, इनके संयुग्मी लिपिड जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा फॉस्फेट समूह उपस्थित हो, उन्हें फॉस्फोलिपिड कहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं ग्लाइकोलिपिड, जिसे कहते हैं वे संयुग्मी लिपिड जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो, उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं लिपोप्रोटीन, जिसे कहते हैं वे संयुग्मी लिपिड जिनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा प्रोटीन उपस्थित हो, उनको क्या कहा जाता है लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। तीसरे प्रकार के होते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, डिराइव्ड लिपिड जिसे कहते हैं कि वे लिपिड जिनका निर्माण अन्य लिपिड के द्वारा जैसे सरल लिपिड और संयुग्मी लिपिड के द्वारा होता हो, उन्हें व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। अर्थात कई लिपिड आपस में संघनित होकर, ठीक है, किनका निर्माण करते हैं डिराइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्टीरॉइड, टर्पिनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉल, कोलेस्ट्रॉल आदि लिपिड्स का अंतर्गत इसके आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या क्लासिफिकेशन किसका लिपिड का। इसके पश्चात देखते हैं हमारे कि वसीय अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है टाइप ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है टाइप ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, वसीय अम्ल के प्रकार, ठीक है, क्या है वसीय अम्लों के प्रकार। ठीक है, वसीय अम्लों के प्रकार, वसीय अम्ल जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मंदों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। पहले जो होते हैं वह होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड
ठीक है, केवल एक बॉन्ड उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है। द्विबंध तथा त्रिबंध क्या पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, संतृप्त वसीयम कहा जाता है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, जनरल जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है इस प्रकार के वसीयकों का, वह होता है CH3 CH2 का होल n, ठीक है, CH3 CH2 का होल n COOH, ठीक है, क्या होता है CH3 CH2 का होल n COOH, यह जो है इसका फॉर्मूला है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं हमारे कौन से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वे इसे कहते हैं कि वे संतृप्त वे वसीयम जिनमें द्विबंध उपस्थित हो, उपस्थित हो द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उनको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीयम कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, वह होता है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री CH2 का होल n COOH, ठीक है, क्या होता है RCl डबल बॉन्ड CH, ठीक है, RCl डबल बॉन्ड CH CH2 का होल n COOH, ठीक है, यह किसका फॉर्मूला होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें लेते हैं हम कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के फैटी एसिड आते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो फैटी एसिड आते हैं वे आते हैं कैप्रोइक कैप्रिलिक, ठीक है, कौन से आते हैं, कैप्रोइक कैप्रोइक कैप्रिलिक कैप्रिलिक कैप्रोइक कैप्रिलिक अम्ल, ठीक है, कैप्रोइक अम्ल कैप्रिलिक अम्ल और कैप्रिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। इनका जो सामान्य जनरल फॉर्मूला होता है वह होता है CH3 CH2 का होल 4 COOH, ठीक है, CH3 CH2 का होल 6, ठीक है, COOH। इसका जो होता है कैप्रिक का CH3 CH2 का होल 8 COOH, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं हमारे में कौन से प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसे कहते हैं, कि वे फैटी एसिड्स जिसमें द्विबंध का क्या पाया जाता है, द्विबंध उपस्थित होते हैं एकल बंध के साथ साथ, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत एग्जाम्पल बसा उपापचय की क्रिया विधि, ठीक है, बसा
तो पहला जो होता है वह होता है हमारा भाषा संश्लेषण। ठीक है, पहली जो प्रोसेस है वह क्या है, भाषा संश्लेषण, जिसको क्या कहते हैं हम फैट सिंथेसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैट सिंथेसिस कहते हैं। तथा दूसरी जो प्रोसेस होती है, दूसरा जो भाग है वह है हमारा भाषा अपचय। ठीक है, क्या है, भाषा अपचय फैट कैटाबॉलिज्म। क्या है, फैट कैटाबॉलिज्म। ये दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, फैट कैटाबॉलिज्म को, एक वसाओं का संश्लेषण और एक वसाओं का कैटाबॉलिज्म, अर्थात इसका विघटन। ठीक है, तो वसा संश्लेषण किसे कहते हैं, कि वसा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वसा संश्लेषण कहते हैं। वसा संश्लेषण जो होता है मुख्य रूप से 3 स्टेप में होता है। ठीक है, कितने चरणों में होता है, 3 स्टेप में इनका निर्माण होता है। ठीक है, पहला जो चरण है वह है वसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, क्या है, वसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, पहला चरण है वसीय अम्लों का संश्लेषण। दूसरा है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का संश्लेषण। ठीक है, क्या है, ग्लिसरॉल का संश्लेषण। तीसरा जो है वह है चरण वसीय अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का संघनन, ग्लिसरॉल का संघनन। ठीक है, वसा संश्लेषण जो है 3 चरणों में कंप्लीट होता है, वसीय अम्ल का संश्लेषण, ग्लिसरॉल का संश्लेषण, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का संघनन। ठीक है, 3 भागों में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं वसा अपचय। ठीक है, क्या है, वसा अपचय। ठीक है, वसा अपचय जो होता है मुख्य रूप से कितने स्टेप में पाया जाता है, 3 स्टेप में होता है, 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला जो चरण है इसमें यह है वसाओं का, ठीक है, जो वसा निकली हुई है यहाँ, वसाओं का क्या होगा, अपघटन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसमें, वसाओं का वसीय अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विघटन। ठीक है, ग्लिसरॉल में अपघटन, ठीक है, या विघटन, विघटन या अपघटन, पहला चरण। दूसरा जो चरण है वह हमारा ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तीसरा जो मुख्य चरण है इसका हमारा वह है वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या है, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण। वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण जो होता है मुख्य रूप से 2 भागों में किया जाता है, अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन, तथा दूसरा जो होता है वह होता है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से क्या है, ये समरी है मात्र। ठीक है, क्या है, एक प्रकार से चार्ट है हमारा, इनको हमें प्रत्येक स्टेप को हमको डिटेल में पढ़नी है। दोबारा सुनते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को 2 भागों में होती है, फैट मेटाबॉलिज्म, पहली तो फैट सिंथेसिस, दूसरी फैट कैटाबॉलिज्म। फैट सिंथेसिस किसे कहते हैं, कि वसाओं के निर्माण की प्रक्रिया को वसा संश्लेषण कहते हैं। वसाओं का संश्लेषण 3 स्टेप में 3 चरणों में होता है, वसीय अम्लों का संश्लेषण, फिर ग्लिसरॉल का संश्लेषण और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का संघनन के द्वारा, संघनन के द्वारा वसाओं का निर्माण हो जाता है। दूसरे मेटाबॉलिज्म का होता है, दूसरे भाग में जो वसा निर्मित होता है ऑक्सीडेशन होता है, अपचय होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरे क्या होता है, सबसे पहले वसाओं का वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का गठन होता है, विघटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज स्टेप में जो ग्लिसरॉल जो होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, अपघटन होता है। तीसरे भाग में वसीय अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है, वसीय अम्ल का ऑक्सीडेशन 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, एक अल्फा ऑक्सीडेशन और दूसरी बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस प्रकार से फैट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखना मत भूलना, ये वसा फैट मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज आपको अच्छी तरीके से फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में, लिपिड के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ने के लिए, ठीक है, देखते रहिए भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लास। ठीक है, थैंक यू।